सभी को जय हिंद। बॉक्सिंग बिगनर ट्रेनिंग डे 12 सेशन है आज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग की एक सीरीज़ बना रहा हूं, जिसमें कुछ 6 नए खिलाड़ी मेरे पास ट्रेनिंग को आए थे, उनको मैं कैसे बिगनर से एडवांस बॉक्सर बनाऊंगा, उसको लेके सीरीज़ बना रहा हूं। आज उन सब बच्चों की डे 12 ट्रेनिंग सेशन है। सबसे पहले हमने इनको सबको कराया वार्मिंग अप के बाद इनको कुछ स्प्रिंट लगी, स्प्रिंट के बाद एक्सरसाइज के बाद थोड़ा पुशअप लगे, उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग थोड़ा सा मैंने इनको कराई 15 मिनट। और उसके बाद जैसे कि पहले मैंने जैब सामने की तरफ जैब पंच, फिर आगे बढ़ते हुए जैब क्रॉस, फिर पीछे हटते हुए जैब क्रॉस की ट्रेनिंग कराई। नए खिलाड़ी हैं, कमी तो रह जाती है, इनको बता रहा हूँ फिर कैसे करना है। धीरे धीरे मूवमेंट डेवलप हो जाएगा इनका, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पीछे जाते समय सब लोग बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। अभी नेक्स्ट पंच आया डबल जैब क्रॉस पंच, जिसे हम डबल लेफ्ट राइट भी बोलते हैं आम भाषा में। ये देखिए मेरी विजिल पे सारे कर रहे हैं बॉक्सिंग मूवमेंट के साथ, ठीक है। अब ये जो है पहले स्टैंडिंग करते थे, अब ये बॉक्सिंग मूवमेंट पे कर रहे हैं, जो आपको आज वीडियो में दिख भी रहा होगा। ये जो है बॉक्सिंग मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बॉक्सिंग का मूवमेंट देन पंच। ये देखिए बॉडी में क्रॉस पंच मार रहे हैं अभी। और इस तरह 15 मिनट ट्रेनिंग कराने के बाद ये देखिए जैब क्रॉस का बता रहा हूँ मैं इनको आगे बढ़ते हुए। 15 मिनट में ट्रेनिंग करने के बाद आज दोस्तों वो दिन आ गया है जब मैं इन खिलाड़ियों को चांस दूंगा रिंग के अंदर कंट्रोल स्पारिंग का, जैब से कंट्रोल मतलब ट्रेनिंग स्पारिंग है, मैं खुद खड़ा हूँ वहाँ पे। ये देखिए सबसे पहले धनंजय राणा और शिवम शर्मा बिल्कुल नया है, लेकिन अब वो दिन आ गया है जब आपको ओनली फॉर जैब पंच से दोनों को मैंने रिंग के अंदर डाला है, जो आप जो है जैब से कंट्रोल स्पारिंग है। मैं खुद खड़ा हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ बाउट को, ये देखिए, क्योंकि अभी हमारे उत्तराखंड में खेल महाकुंभ के जनपद स्तरीय प्रतियोगिता इस महीने की मिड में आ जाएगा, तो नए बच्चों की भी खेलने की इच्छा है, तो उनको भी इस कॉम्पिटिशन में मौका दिया जाएगा, जबकि उनका डे 12 है। कहने का मतलब कॉम्पिटिशन देखना और उतरना उनके लिए काफ़ी रहेगा, और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी जल्दी में हैं, बहुत जल्दी इनको जो है टूर्नामेंट का मौका दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की इच्छा है तो पूरी ज़रूर की जाएगी। ये देखिए 2-2 मिनट के 2 राउंड हर बिगनर्स को हमने रिंग के अंदर मौका दिया। ये सौरभ और रेड कॉर्नर में है समीप रायबरेली से हैं। मेरे पास 12 दिन ट्रेनिंग को हुए हैं, देखो पंच खा रहे हैं क्योंकि इनका गार्ड बहुत डाउन रहता है, पंच मारते हैं उसके बाद हाथ को बहुत डाउन करते हैं, ये थोड़ा कमी है समीप की। तो इस तरह हमने जो है इन बच्चों को आज मौका दिया कंट्रोल स्पारिंग की। दोनों को मैंने बता रखा था कि आप पंच को सिर्फ टच कर सकते हैं, उसमें फोर्स नहीं मार सकते। ये देखिए क्योंकि आपको खिलाड़ियों को टेक्निक सिखाने के बाद रिंग में भी अप्लाई करने के लिए उनको भेजना होगा, तब जाके खिलाड़ियों का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा इस खेल की तरफ। ये देखिए मैंने आज सर्किट ट्रेनिंग बनाई है जिसमें 2 राउंड पैड के चल रहे हैं, 2 राउंड बैक के चल रहे हैं, 2 राउंड शैडो बॉक्सिंग के चल रहे हैं, 2 राउंड पंचिंग बैक के चल रहे हैं। तो ये मैंने बांट रखे 5 खिलाड़ी आ रखे, तो 5 स्टेशन बना रखे मैंने, सब जगह सबका नंबर आ रहा। 2 सर्कल कंप्लीट करेंगे हम आज इस तरह। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खुशी का दिन है कि आज खिलाड़ियों को हमने कंट्रोल स्पारिंग का मौका दिया, जिनका डे 12 चल रहा है। और एक्चुअली ये मौका देना इसलिए ज़रूरी था कि जो अभी तक सीखा है उसको ये कितना यूज़ कर पा रहे हैं उसके बारे में इनको पता चलेगा। मुझे पता है कि अभी ये रिंग के अंदर इसको किसी भी चीज़ को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, ये रिंग के अंदर खड़े हो रहे हैं और पंच निकाल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हमने रिंग के अंदर डाला ताकि हम इनको मोटिवेट कर सकें
और हर दिन आप ट्रेनिंग को बदल के नहीं कराएंगे तो खिलाड़ियों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा और उनको वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता हूँ ताकि वो अपने घर जाके देखें, उसको घर वालों को भी दिखाएं, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं और उनको खुद को भी लगता है कि हाँ यार कोसा हर दिन डिफरेंट ट्रेनिंग करा रहे हैं और हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। देखिए वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं भी प्लान से चला हूँ, हर दिन प्लान बना रहा हूँ क्या अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कराऊंगा। बगैर प्लान के ग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ मैं, हर दिन का प्लान है मेरे पास। डे वन में क्या ट्रेनिंग कराऊंगा, डे टू में क्या कराऊंगा, डे थ्री में क्या। आज डे 12 है, डे 12 पे हमारी खिलाड़ियों की इतनी मेहनत है, ये दोनों तो खैर पुराने हैं, जो बिगनर्स हैं उनकी इतनी मेहनत है कि उन्होंने इतना अब सीखा है अभी तक कि वो डे 12 में रिंग के अंदर आ पाए हैं और रिंग के अंदर खेल रहे हैं बाकायदा। ये दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैंने बताया तनेश उत्तराखंड स्टेट जूनियर चैम्पियन है और अक्षित डबास सिल्वर मेडल है उत्तराखंड स्टेट में। दोनों ही पुराने खिलाड़ी, 2.5 से 3 साल दोनों को हो चुके हैं और जो इसके बाद कंट्रोल स्पायरिंग आएगी, दो बिगनर्स हैं उनमें, ये देखिए आपके सामने आ चुके हैं, रेड कॉर्नर में हैं अभिषेक, रायबरेली से आए हैं मेरे पास बॉक्सिंग सीखने के लिए, और ब्लू कॉर्नर में विक्रांत सैनी हैं। दोनों को मैं सिखा रहा हूँ कि पंच की फोर्स नहीं मारनी है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, बॉक्सिंग ग्लव स्पारिंग के लिए 16 औंस के देता हूँ मैं, जो मेरे पास सिर्फ स्पारिंग में यूज़ होते हैं, उसके अलावा उनको मैं लॉक करके अपने लॉकर में रखता हूँ। ये देखिए पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा गया है, खिलाड़ियों को एब्डोमिनल गार्ड बांधा गया है, हेड गार्ड बांधा गया है, माउथ गार्ड उन्होंने पहनी हुई है, 16 औंस ग्लव दे रखे हैं ताकि चोट न लगे। उनको बता दिया गया है पहले कि आप सिर्फ एक दूसरे को टच कर सकते हैं, पंच में आप स्ट्रेंथ नहीं मार सकते हैं, जो कुछ कमी रह रही है मैं उनको खुद बता रहा हूँ खड़े होके रिंग के अंदर, इसीलिए जा रखा हूँ ताकि, क्योंकि दोनों बॉक्सर का वेट 80+ है, तो 80+ है तो जाहिर सी बात है आपके पंच में भी काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, तो कंट्रोल करने के लिए मैं रिंग के अंदर जा रखा हूँ। और आप सच बताऊँ डे 12 के हिसाब से इससे अच्छी बॉक्सिंग नहीं हो सकती, इतना अच्छा खेल रहे हैं ये लोग, फुटवर्क कर रहे हैं, गार्ड पोजीशन प्रॉपर रख रहे हैं, लेग की आपकी पोजीशन प्रॉपर है, आप फुटवर्क कर रहे हैं, गार्ड ऊपर है, इससे ज़्यादा क्या लोगे यार, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप डे 12 में इतना बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए डबल जैम मारा खिलाड़ी ने, फेसर बॉडी ये देखो इतना बढ़िया, जो कुछ कमी रहेगी मैं बता रहा हूँ उनको कि भाई आपने बिलो द बेल्ट नहीं खेलना है। ये देखिए मतलब बाउट या फिर स्पारिंग उस लेवल पे न जाए कि एग्रेसिव हो जाएं दोनों खिलाड़ी और चोट खा जाएं, इसलिए मैं रिंग के अंदर खड़ा हूँ। सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, खिलाड़ियों को चोट न लग जाए, नए खिलाड़ी अगर चोट लगे तो बॉक्सिंग छोड़ देंगे और हमारे बॉक्सिंग जगत को एक घाटा होगा कि भाई एक खिलाड़ी आया और यहाँ पर खेल नहीं सीख पाया और वो डर गया। देखिए कुछ कमी रह जा रही, सेकेंड राउंड है इनका, मैंने इनको थोड़ा ब्रीफ किया, आप बिलो द बेल्ट नहीं खेलेंगे, पंच में पावर नहीं मारेंगे, फुटवर्क करिए और गार्ड को प्रॉपर ऊपर करिए, पैरी करिए, ब्लॉक करिए, स्वैप बैक करिए। देखो कितना अच्छा ब्लू खिलाड़ी का मूवमेंट देखो आप, इतना सॉलिड मूवमेंट, जैप क्रॉस मारते जबकि मैंने इनको मना किया, बताया अभी कि आप जैप क्रॉस नहीं, सिर्फ जैप खेलेंगे। तो यार डे 12 में हमने इतना अच्छा सिखा दिया खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों ने भी साथ लग के मेहनत करी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये दोनों डे 12 के हिसाब से कैसे कर रहे हैं। और ये कोई दोस्तों झूठ नहीं है, मैं हर दिन की वीडियो अपलोड करता हूँ, पहले मेरी बहुत सारी वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं या फिर रोप की वीडियो हैं, कोई बैग मार रहा है हमारे खिलाड़ी इसमें कर रहे हैं, कहीं आप कोई दिखेंगे नहीं, ये डे 1 से लेके डे 12 तक अभी नज़र आएंगे आपको। ऐसा नहीं कि इनको पहले सिखा दिया फिर वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेहनत करी है हमने, इन बच्चों ने भी मेहनत करी है, इसीलिए वीडियो अपलोड हो रही है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे हम बिगनर से एडवांस बॉक्सर तैयार करते हैं, यही तरीका है। आज हमारे पास बॉक्सिंग में मेरे क्लब से बच्चे प्रोफेशनल इवेंट भी खेल रहे हैं, अमेचर इवेंट में नेशनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल में बाउट जीत रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और हमारे पास एक छोटा सा क्लब है, वहीं से हम सब
हमारे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, फिर भी हमने कोशिश कर रही है। बॉक्सिंग रिंग लगा रखा है, नीचे हमने रबड़ मैटिंग कर रखी है और हेड गार्ड प्रॉपर रखे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कुशनिंग के बॉक्सिंग ग्लव अच्छी क्वालिटी के रखे हुए हैं हमने। 16 औंस के फाइट के लिए रखे हुए हैं ताकि फाइट में कोई खिलाड़ी इंजर्ड ना हो, और ऑब्लम गार्ड पहना के कराते हैं इनको। ये दोनों थोड़ा खिलाड़ी पुराने हैं अभी, इनको 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। और अभी हमने सर्किट ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया कि हर जगह खिलाड़ियों को दो राउंड बैक, दो राउंड पैड, दो राउंड स्पिंग रोप, दो राउंड शैडो बॉक्सिंग, इस तरह मैंने इनको बांटा हुआ है। दो दो मिनट के राउंड छोटे दे रखे हैं क्योंकि खिलाड़ी नए हैं अभी मेरे पास बाकी, और वो रिंग के अंदर चोट ना खा जाए उसका भी डर है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका डर दूर करना है और उनको बॉक्सिंग फाइट की तरफ ले जाना है। ये देखो नए खिलाड़ी दोनों रोप कितना बढ़िया सीख गए, देख रहे हैं आप दोस्तों, नए खिलाड़ी हैं दोनों, कितना बढ़िया रोप कर रहे हैं। तो आज की हमारी ट्रेनिंग वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।